डेली स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस विद उर्दू मीनिंग इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे माँ दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है द मदर इज़ द मोस्ट वर्दी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड अब अगर आप माँ की जगह कोई और रिलेशन लगाना चाहें तो आप उसका नाम ले सकते हैं माँ दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है द मदर इज़ द मोस्ट वर्दी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड अगर आप बुरा करेंगे तो आपकी तरफ बुराई लौट कर आएगी इफ़ यू डू बैड द बैड विल रिटर्न टू यू इफ़ यू डू बैड द बैड रिटर्न टू यू अच्छी सोच का नतीजा भी अच्छा ही होता है गुड थिंकिंग ऑल्सो रिज़ल्ट गुड गुड थिंकिंग ऑल्सो रिज़ल्ट गुड जब वो किसी से बात करता है तो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं वैन ही टॉक्स टू एनी वन पीपल बिकम हिज फ्रेंड्स वैन ही टॉक्स टू एनी वन पीपल बिकम हिज फ्रेंड्स बग़ैर किसी मतलब के लोगों का ख्याल रखना चाहिए या लोगों का ख्याल रखा करें टेक केयर ऑफ पीपल विदाउट एनी मीनिंग या विदाउट एनी मीन टेक केयर ऑफ पीपल विदाउट एनी मीन गर्मी के दिनों में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें डोंट गो आउट अन नेसरीली ऑन हॉट डेज डोंट गो आउट अन नेसरी ऑन हॉट डेज ये हमारा आखिरी फैसला है दिस इज़ आवर फाइनल डिसजन दिस इज़ आवर फाइनल डिसीजन इसके बारे में सब कुछ हैरत अंगेज़ हैरत कुन है एवरी थिंग अबाउट हिम इज़ अमेजिंग अगर लड़की हो तो हर कर दीजिएगा एवरीथिंग अबाउट हर इज़ अमेजिंग यानी उसके बारे में जो कुछ भी है सब कुछ हैरान हैरानकुन है रिश्वत लेना जुर्म है टेकिंग ब्राइव्स इज़ अ क्राइम टेकिंग ब्राइव्स इज अ क्राइम बच्चे हर हाल में खुश रहते हैं चिल्ड्रन कीप हैप्पी इन ऑल कंडीशन इन ऑल सीनारी चिल्ड्रन कीप हैप्पी इन ऑल कंडीशन और सीनारी माजी को भूल जाना बेहतर है इट्स बेस्ट टू प्रोगेट द पास्ट इट्स बेस्ट टू फ्रोगेट द पास्ट जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना बोलो डोंट स्पीक वेयर इट इज़ नॉट नीडिड डोंट स्पीक वेयर इट इज़ नॉट नीडिड उसकी आंखों में उदासी थी दॉज सैडनेस इन हिज आइज़ और अगर लड़की के लिए कहेंगे तो इन हर आइज हो जाएगा दर वॉज सैडनेस इन हिज़ आइज़ उसे इस बार इम्तिहान पास करना होगा ही मस्ट पास द एग्ज़ाम दिस टाइम ही मस्ट पास द एग्ज़ाम्स दिस टाइम अब मैकेनिक ही इस कार को ठीक कर सकता है ना तो मैकेनिक कैन ओनली फिक्स दिस कार यानी मैं नहीं कर सकता अब अब तो मैकेनिक ही कर सकता है ना तो मैकेनिक कैन ओनली फिक्स दिस कार देखो क्या वक्त हुआ है और तुम अभी तक जाग रहे हो लुक व्हाट्स द टाइम एन यू आर स्टिल अवेक लुक व्हाट्स द टाइम एन यू आर स्टिल अवेक अपनी आदत को बेहतर बनाइए इम्प्रूव योर हैबिट इम्प्रूव योर हैबिट बच्चे सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में देर से खेलते हैं और सोते हैं चिल्ड्रन ऑनली प्ले एंड स्लीप लेट डूरिंग स्कूल हॉलीडेज़ चिल्ड्रन ऑनली प्ले एंड स्लीप लेट डरिंग स्कूल हॉलीडेज दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीट इस बार उसे नौकरी मिलनी चाहिए ही मस्ट गेट अ जॉब दिस टाइम ही मस्ट गेट अ जॉब दिस टाइम इस बार इसने सबको खुश कर दिया दिस टाइम ही मेड एवरी वन हैप्पी दिस टाइम ही मेड एवरी वन हैप्पी दूसरों को माफ़ करना एक अच्छी आदत है फॉरगिव अदर्स इज़ अ गुड हैबिट फॉरगिव अदर्स इज़ अ गुड हैबिट हर चीज़ के लिए शुक्र गुजार रहो बी थैंकफुल फॉर एवरी थिंग बी थैंकफुल फ़ॉर एवरी थिंग वो इस बात पर बजित है कि वो शादी नहीं करेगा ही इज़ एटमेंट एटमेंट मीन्स बजिद होना जिद करना दैट ही विल नॉट मैरी दैट ही विल नॉट मैरी ही इज़ एटमेंट दैट ही विल नॉट मैरी गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हर कोई बीमार हो जाता है वैन द समर सीजन स्टार्ट्स एवरी वन गेट्स सिख वैन द समर सीजन स्टार्ट्स एवरी वन गेट्स सिख हमने कभी ऐसा नहीं सोचा वी नेवर थाट लाइक दैट वी नेवर नेॉट लाइक दैट उसके अपने शहर के साथ बहुत बुरे ताल्लुक हैं अच्छे तल्लु नहीं हैं शी हैज़ अ वेरी अनप्लेजेंट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड शी हैज़ अ वेरी अनप्लेजेंट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड कल हमारी लड़ाई हुई थी वी फोर्ट यस्टरडे वी फॉट यर स्टडे लेकिन मेरी माँ ने मुदाखलत की या वो बीच में आ गई बट माई मदर इंटरवेंट बट माई मदर इंटरवेंट तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो हम सब अपनी कॉन्वर्जेसन में बहुत यूज़ करते हैं इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें हाथ से इंग्लिश में बोलिए कि बी स्टेइंग विद अस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग